नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को विजयदशमी के दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व यानी दशहरा आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी दशहरे की धूम है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का दशहरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। इस बार ये पर्व 107 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दशहरे का सबसे खास जो पर्व है इस दशहरे में और इस पर्व की खास बात जो है वो है रावण दहन। और कई जगहों पर रावण दहन नहीं किया जाता है। आज दशहरे के दिन दंतेश्वरी मंदिर के कुम्हड़ाकोट तक विजयरथ परिक्रमा होगी। दशहरे के पर्व का समापन 31 अक्टूबर को होगा और इसी दिन बस्तर की देवी मावली माता की विदाई होगी। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर का दशहरा विशेष है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी जबलपुर में होने वाला दशहरा देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का दशहरा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जबलपुर का पंजाबी दशहरा अपने आप में विशेष महत्व रखता है। जबलपुर के आयुर्वेद कॉलेज ग्राउंड में आतिशबाजी के बीच रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। उधर लखनऊ के रानी कटरा के चार धाम मंदिर में रावण का दरबार सजाया जाता है। हर साल दशहरे पर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ये परंपरा बीते 123 साल से चल रही है। उत्तराखंड में कई जगह का दशहरा मशहूर है। आज देश के चार राज्यों में दशहरे की क्या तैयारियां हैं जानेंगे और उसके लिए हमारे जो सहयोगी हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताने की कोशिश हम आपको करेंगे कि किस तरीके से जो विजयदशमी की धूम है अलग अलग जगहों पर है। और चलिए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरह से दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां दशहरे को लेकर हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं और किन हस्तियों की मौजूदगी वहां पर रहेगी, तमाम सवालों को लेकर मैं चल रही हूं विवेक के पास। मेरा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां मध्य प्रदेश की राजधानी में दशहरे की चल रही है। विवेक, बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ा हूँ टीटी नगर दशहरा मैदान में। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, रावण बन के तैयार है और रावण के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि मेघनाद और कुंभकर्ण भी है। ये टीटी नगर का 51 फीट का रावण है। शाम को 7:55 में रावण का दहन होगा यानी कि वध राम भगवान के हाथ से किया जाएगा और इसके बाद करीब 8:10 ये पूरा कार्यक्रम दशहरे का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारियां की जा रही है, आतिशबाजी की व्यवस्था भी की गई है और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के बैठने के भी इंतजाम किए गए हैं। इस बार कोई भी इस आचार संहिता के चलते किसी भी नेता के जरिए रावण का वध नहीं होगा, आचार संहिता की गाइडलाइन है। ऐसे में कार्यक्रम में जो उत्सव समिति के सदस्य हैं और जो दर्शक हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। एक तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है, एक तरफ लोगों को यहाँ पे खड़े रहने की व्यवस्था की गई है और साथ में सुरक्षा के भी इंतजाम आते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी है, अगर किसी तरीके की अनहोनी होती है या फिर आगजनी की घटना होती है तो ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें भी खड़ी हुई है। और करीब राजधानी की बात की जाए तो करीब 45 अलग अलग इलाकों में यानी कि जो दशहरा मैदान है या फिर ग्राउंड है, BHL है, छोला दशहरा मैदान है, यहाँ पे रावण जलाए जाएंगे और सबसे पहला भोपाल का रावण इसी टीटी नगर दशहरा मैदान में जलाया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छोला स्थित दशहरा मैदान में मौजूद रहेंगे। देर रात ये कार्यक्रम रहेगा। विठ्ठल मार्केट के अलावा BHL सहित राजधानी की करीब 45 से अधिक जो ग्राउंड है यहाँ पे दशहरा मनाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर भी लोगों ने घरों के आसपास और जो मोहल्ला समिति है वहां पर भी दशहरे का त्यौहार मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। छोटे बड़े रावण के पुतले बाजार में उपलब्ध है जिनके जरिए रावण मनाया का वध किया जाएगा और इस बुराई की अच्छाई के इस जीत के प्रतीक को ध्यान में रखते हुए इस रावण का दहन किया जाएगा। नवरात्रि पूरी होने के बाद आज 10वें दिन यानी दशमी के दिन आज रावण का दहन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा दशहरा मैदान काफी बड़ा हुआ करता था लेकिन अब इसका आकार छोटा भी है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी का सबसे पहले रावण यहाँ जलाया भी जाता रहा है। काफी लंबे अरसे से यहाँ पे लोग रावण के दहन को देखने के लिए आते हैं लेकिन इस ग्राउंड का स्वरूप अब बदल रहा है। इस दशहरा मैदान में आधे हिस्से में स्मार्ट सिटी डेवलप किया जा रहा है जिसका कुछ समय पहले विरोध भी हुआ था। हालांकि त्योहार मनाने और रावण जलाने की अनुमति उत्सव समिति को दी जा चुकी है। आज पहला रावण भोपाल का 8 बजे यहीं पे चलेगा। इसके बाद से 9 बजे, 10 बजे और 10:30 तक के कार्यक्रम है क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन इसके बाद माना जाएगा। कोई भी बड़े कार्यक्रम लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे। ऐसे में ये कोशिश जरूर रहेगी उत्सव समिति की 10 बजे के भीतर ही राजधानी सहित प्रदेश भर के तमाम जो रावण है, रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसे पूरा कर लिया जाए।
बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मेरे सहयोगी भी हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से रावण तैयार भी है और समय भी बता दिया राजधानी भोपाल के टीटी नगर के आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए कि 7:55 पर ये रावण दहन किया जाएगा और तमाम जानकारियां हमें मेरे सहयोगी विवेक दे रहे थे, बहुत शुक्रिया विवेक। तो दशहरे के दिन रावण दहन होता है और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कई जगहों पर रावण दहन नहीं होता है, जिससे किसके पहले भी आपने एक कार्यक्रम आदि टीवी पर ये देखा होगा जिसमें मंदसौर और विदिशा की भी हमने बात की थी। मंदसौर जहां पर मध्य प्रदेश का मंदसौर जहां पर रावण को पूजा जाता है, कहा जाता है रावण मंदसौर के दामाद हैं, और विदिशा की बात कर लीजिए तो रावण गाँव का ही गाँव का नाम है। तो ऐसी कई जगहें हैं जहां पर मध्य प्रदेश में रावण को कहीं पूजा जाता है तो कहीं दहन किया जाता है। तो ये रावण दहन जो अलग अलग जगहों पर होगा, किस तरह की तैयारियां हैं लोगों की, वहां पर मौजूदगी रहेगी, जाहिर सी बात है हम सभी हर साल रावण देखने जाते हैं, जो लोग नहीं देख पाते वो टीवी पर बैठ कर देख रहे होते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि रावण दहन आपको टीवी के माध्यम से दिखा सकें। बहरहाल, लेकिन आज जो है दशहरे का दिन है और दशहरे के दिन कई चीज़ों को लेकर अपनी अपनी परंपरा है। शस्त्र पूजन किया जाता है, वाहनों को साफ करके वाहनों की पूजा की जाती है, तो अलग अलग परंपराएं हैं। 9 दिन के बाद नवरात्रि के 9 दिन के बाद ये पर्व आता है और आपको पता ही है कि क्यों हम दशहरा मनाते हैं। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था, तो कई जगहों पर रामलीला का संचालन होता है और आज के दिन ये दिखाया जाता है कि भगवान राम ने किस तरह से रावण का वध किया था और उसके बाद रावण का दहन किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं और जबलपुर की भी अपनी एक परंपरा है। चलिए जबलपुर लिए चलते हैं, आपको मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबलपुर को लेकर क्या कुछ उनके पास खास है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है जबलपुर में जो दशहरा है वो देश भर में प्रसिद्ध है, दशहरा देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ का पंजाबी दशहरा तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि यहाँ पर आतिशबाजी होती है, रावण कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है, क्या कुछ तैयारियां आज दशहरे के मनीष आपके शहर में? जी बिल्कुल पारुल जी, बता दूं मैं आपको कि दशहरे की तैयारियां जो वो जोर शोर से चल रही हैं। आज रात को जो है दशहरा जो है वो धूमधाम से मनाया जाएगा और जगह जगह पर जो है हमारे यहाँ जो जबलपुर में आपने कहा कि फेमस दशहरा जो है जो जबलपुर का है, एक विशाल चल समारोह जो है वो पथ संचलन से कहते हैं वो भी यहाँ पर होता है, 3:25 से शुरू होता है और घाट पर जाकर माता जी के जो मूर्ति है उनका विसर्जन होता है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर का जो दशहरा है दूर दूर से लोग यहाँ देखने को आते हैं और हर साल कहीं ना कहीं जो उत्साह जो देखने को मिलता है भक्तों के बीच में लोगों के बीच में वो देखने लायक होता है। और जिस तरह से जबलपुर में बात करें अगर हम रावण दहन की, तो कहीं ना कहीं कई जगह पर चाहे हिंदू पंजाब स्टेशन की बात कर लें हम और चाहे हम रांझी की बात कर लें, शक्ति नगर की बात कर लें, कई जगह पर ऐसे जो आयोजन है वो किए जाते हैं जिसमें रावण का दहन किया जाता है। इस बार विशेष रहेगा रांझी का, रांझी में इस बार 5 पुतले जो है वो उनका दहन किया जाएगा, एक उसमें रावण का रहेगा, एक कुंभकर्ण का रहेगा, एक मेघनाथ का रहेगा और एक रहेगा कोरोना का और एक रहेगा आतंकवादियों का। तो कहीं ना कहीं वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र इस बार रांझी में रहने वाला है। पथ संचलन भी वहां पर जरूर 5 बजे के आसपास शुरू होगा रांझी में और शाम को जो रात का समय है वो 3:25 जो है उसका पथ संचलन जो है वो निकलेगा और वो घाट तक जाएगा और प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। तो कहीं ना कहीं जबलपुर का एक विशाल जो कहना चाहिए भव्य पथ संचलन जो है वो देखने को मिलता है, दूर दूर से लोग देखने को आते हैं और मूर्तियां जो है यहाँ पर लंबी लाइन हम देखते हैं और मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव की अगर हम बात करें पारुल जी, तो कहीं ना कहीं जबलपुर में हर गांव में लगभग जो है मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और जिस तरह से नवरात्रि का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पर्व अगर हम ये कहें कि जबलपुर का अगर कोई पर्व अगर मनाया जाता है तो वो जबलपुर का होता है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो या आपने बताया कि कोरोना और ख़ास तौर पर जो आतंकवादी हैं उनका भी एक पुतला जलाया जाने वाला है जो आकर्षण का केंद्र तो है ही, क्योंकि हम देखते हैं कई जगहों पर 3 पुतले तो जलाए जाते हैं लेकिन कोरोना और आतंकवादियों का पुतला भी दहन करने के लिए जबलपुर में तैयारी है। जाहिर है जबलपुर की जनता अलग अलग जगहों से वहाँ पर पहुँचेगी जहाँ पर इन पुतलों को जलाया जाएगा और खास लोगों की मौजूदगी, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में राजनेताओं के अगर इस कार्यक्रम में मौजूद ना हो तो अधूरा सा हो जाता है, तो ऐसी कोई खबर आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मुख्य चल समारोह जो 3:25 से जो निकलता है मुख्य प्रमुख सिटी में
वहां पर जरूर जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, जरूर पहुंचेंगे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, तो वो कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, शिरकत जरूर करेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को वहां पर जो मौजूदगी है उनकी जो वो दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि चुनाव हो या ना हो, जनप्रतिनिधि हमेशा दशहरा के महोत्सव में जरूर आते हैं और भाग लेते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है आज शाम को जो है वो जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी की मौजूदगी वहां पर हम देख पाएंगे कम से कम, ऐसा हर बार होता है। जी बहुत शुक्रिया मनीष। तो देखिए आज जो है दशहरे का दिन है और दशहरे का दिन खास तौर पर जबलपुर वासियों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ना केवल मेघनाथ कुंभकर्ण रावण का पुतला दहन होता है बल्कि इस बार तो और भी खास है, कोरोना और आतंकवादियों का भी पुतला दहन किया जाएगा, जिसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी। जगह जगह पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी पुलिस ने खासा इंतजाम किए हुए हैं। जबलपुर को लेकर भी हम अगर कहें तो हर साल यहाँ पर भी भीड़ उमड़ती है, खास तौर पर लोगों के पहुँचने की खबर होती है। राजनेता चाहे मनीष बता रहे थे कि अगर चुनाव है भी तो खासतौर पर पहुंचना तो हो ही जाता है, लेकिन वैसे भी जो राजनेता हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर मौजूदगी उनकी होती है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जबलपुरवासी दशहरा देखने के लिए पहुँचते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग जगहों पर पुलिस ने अपनी तैयारियाँ मुस्तैद कर रखी हैं और ख़ासतौर पर इस बार तो चुनाव है तो आचार संहिता के चलते बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर या म्यूज़िक को आप बहुत ज़्यादा समय तक बजते हुए नहीं देखेंगे, डेडलाइन जो है उसी के अनुसार सबका पालन करना होगा। तो आज है विजयादशमी और बुराइयों पर अच्छाई की जीत का पर्व, असत्य पर सत्य की विजय का ये दिन जब रावण दहन हुआ था। और जरूरी है कि आज के दिन हम अपने दर्शकों को बताएं कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से दशहरे की तैयारियां चल रही हैं। देखिए जिस तरह से नवरात्रि के लिए काफ़ी लंबे समय से लोगों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, चाहे वो झांके संचालन कर रहे हों या झांकियां बना रहे हों, उनकी भी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं, या फिर दशहरे की भी हम बात करें तो दशहरे पर रावण जो जलता है इसको बहुत पहले से बनाना शुरू कर देते हैं कलाकार और उनकी भी काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी बड़े भी बनाए जाते हैं जिसकी जैसी डिमांड होती है। देखिए ऑर्डर पर ये रावण बनते हैं, ये आपको पता होगा, जो कलाकार हैं ये बनाते हैं और जिसका जैसा बजट होता है उस अनुसार रावण को बनाया जाता है। तो बड़े बड़े रावण के पुतले भी बनते हैं तो छोटे भी कई जगहों पर बनते हैं, लेकिन अपने आप में आकर्षक होता है रावण दहन। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जबलपुर से मनीष जुड़े हुए थे। अलग अलग शहरों में अलग अलग तैयारियां होती हैं और बहुत ही भव्य होता है ये कार्यक्रम भी, क्योंकि रावण काफ़ी बड़ा बनाया जाता है और ये जो उसमें पटाखे लगाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, वो काफ़ी देखने में लोगों को आकर्षण लगता है। हरिद्वार से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से वहाँ पर जो है दशहरे की तैयारियां हैं और खास बात हरिद्वार में दशहरे के दिन क्या होती है, सचिन हमें बताएंगे। सचिन जी पारुल, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में कई स्थान है, कई ऐसे ग्राउंड है जहां पर दशहरे का प्रोग्राम रखा गया है और रावण दहन का प्रोग्राम रखा गया है। कई जगह पर बड़े जो रावण है वो लगाए गए हैं, कई जगह पर छोटे रावण भी लगाए गए हैं, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ धर्मनगरी में मनाया जाता है। अभी मैं जहाँ पर हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये BHL का ग्राउंड है और BHL के ग्राउंड में काफी बड़ा मेला भी लगाया जाता है, जिससे कि जो दर्शक आते हैं शाम को, जो यहाँ की जनता आती है, वो मेले का भी लुत्फ उठाती है और साथ ही साथ जो रावण दहन का प्रोग्राम होता है वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर BHL की बात की जाए तो करीब 60 फीट का रावण यहाँ पर हर साल लगाया जाता है और अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये सिर्फ रावण का सर है जो कि सिर्फ 11 फीट का है और इसके अलावा जो धड़ है वो भी बन चुका है और ये अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है इसको खड़ा करने का। आप पीछे देख रहे हैं, पीछे मेला लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं। और अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो पारुल, यहाँ पर हरिद्वार के शासन प्रशासन द्वारा पूरा इंतजाम किया गया है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी हर एक ग्राउंड में आपको मिलेंगी। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो करीब 10 ऐसे बड़े ग्राउंड है जहाँ पर बड़े मेले का आयोजन किया गया है, वहीं पर शासन प्रशासन और फायर ब्रिगेड की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। मेरे साथ यहाँ पे जो रामलीला कमेटी है जो यहाँ का संयोजन करते हैं उसके सचिव हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। सर इसको लगा लीजिए, सर क्या कहेंगे कैसे यहाँ पर लगभग 50 से 55 साल से रामलीला मंचन हो रहा है और ये सबसे पुराना मंच है,
अब शाम तक जो है सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हमारे वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे और चारों तरफ जो है ये चार दीवारी से घिरा हुआ है, पर फिर भी हमने इमरजेंसी के तौर पर यहाँ 10 से 15 हजार की पब्लिक आती है और चार गेट हमने वैकल्पिक गेट खोले हुए हैं जहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। चारों तरफ जो है ग्राउंड पर फ्लड लाइट लगी हुई है। रेल प्रबंधन की तरफ से हमें पूरा सहयोग प्रदान किया जाता है और जैसा कि कहते हैं असत्य पर सत्य की विजय के रूप में दशहरा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रति वर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया जाता है। जी पारुल, तो असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत, इसके साथ ही ये दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। और दशहरे के त्यौहार में एक और खास बात होती है, मैं आपको बताऊं, दशहरे के त्यौहार पर शस्त्र पूजा भी होती है कई जगह पर। हरिद्वार क्योंकि धर्म नगरी है, अखाड़ों का और आश्रमों का ये पूरा शहर है, तो यहाँ पर कई जगह पर शस्त्रों की पूजा का भी आयोजन किया गया है। वहीं विजयदशमी भी मनाई जाती है जिसमें देवी की पूजा की जाती है, क्योंकि आज माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो आज का दिन बहुत खास है। और इस दशहरे के त्योहार पर जहां हम लोग रावण का वध करते हैं, मेघनाथ का वध करते हैं, कुंभकर्ण का वध करते हैं, वहीं पर हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जो रावण के 10 सर जो संकेतिक रूप में है और हमारे अंदर जो 10 बुराइयां होती है। सचिन, जल्दी से हमें दिखाइए आपके पीछे जो रावण बनाया जा रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी तैयारियां चल रही है, शाम तक ये पूरी हो पाएंगी। हमें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह का रावण हरिद्वार में बनाया जाता है, किस तरह की तैयारियां हैं। हम देख पा रहे हैं काफी अभी पूरी तरह व्यवस्थित तो नहीं है, कितना फीट का ये रावण होगा, किस तरह से आतिशबाजी का इंतजाम है। ये रावण है जो कि अभी तैयारियां चल रही हैं, इसमें पटाखे वगैरह लगाए जा रहे हैं, आप देख सकती होंगी। जी जी, ये 60 का रावण बनाया गया है और इस पे अभी जो अंतिम रूप है वो देने की तैयारियां चल रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी इस पे अंदर पटाखे लगाए जा रहे हैं और पटाखे लगाने के बाद इसको जो है खड़ा किया जाएगा। और वहीं पर मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ जहाँ पर मेला लगा हुआ है अभी। जी पारुल जी, तो जगह जगह रामलीला का भी आयोजन होता है, मेले का भी आयोजन होता है। सचिन हमें तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, सचिन हमें दिखा रहे थे वहां पर मेले का आयोजन होता है और हरिद्वार में, और इसी तरह से पूरी तैयारियां चल रही हैं, पटाखे रावण के अंदर लगाए जा रहे हैं जो रावण का पुतला बनाया गया है, और उसके बाद जब पूरा तैयार हो जाएगा तो इसे स्टैंड किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है कि रावण मनाया क्यों जाता है, इसको लेकर लोगों को जानकारी तो होती है, लेकिन कई सारे जो युवा हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वो भी स्कूलों में किताबों में पढ़ते ही हैं, और अब तो हम देख रहे हैं सिलेबस में रामायण भी है, तो कई बच्चों को अब मालूम चल गया है कि आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सिर्फ उन्हें आतिशबाजी देखकर ही अच्छा लगता है, लेकिन आज का ये दिन, तो बताइए अपने घर परिवार में उन छोटे बच्चों को भी, उन सबसे उस कहानी को साझा कीजिए कि आखिर क्यों हमारे देश में दशहरा का पर्व मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये हालांकि पुरानी तस्वीरें हैं, रावण जब रात को जलेगा तो कहा जाता है सीधा उसके, जब रावण को जलाया जाता है तो उसको सीधा मुंह से गिरना चाहिए, यानी उसकी गर्दन के बल उसे ज़मीन पर गिरना चाहिए, इस तरह की भी परंपराएं हैं, हालांकि सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला दहन होता ही है, लेकिन कई जगहों पर पहले आतिशबाजी से रावण दहन शुरू किया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को भी तैयार किया जाता है, फिर वो कलाकार भी होते हैं और कई बार जो खास जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उनसे भी तीर के माध्यम से रावण में आग लगाने के लिए या फिर चिंगारी देने के लिए कहा जाता है, तो वो भी एक परंपरा है। हम देखते हैं कई जगहों पर राम, सीता और लक्ष्मण जी को भी तैयार किया जाता है जो इस परंपरा को निभाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रावण का पुतला है वो जलना शुरू होता है, और इसी के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला जलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़, और अब तो आप देख रहे हैं फिल्में भी बनना शुरू हो गई हैं, आपने फिल्म भी देखी होगी रामायण के ऊपर, किस तरीके से रावण का वध किया गया था,
और चलिए अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। लखनऊ से हमारा साथ प्रभांशु जुड़े हुए हैं। किस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश लखनऊ में रावण दहन को लेकर चल रही हैं, दशहरे को लेकर चल रही हैं, और क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं? प्रभांशु बताइए, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं दशहरे को लेकर लखनऊ में? बिल्कुल पारुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं। अपने सहयोगी आदित्य से कहूंगा कि आपको दिखाएं तस्वीरों में कि यहां तैयारियां पूरे तरह से कर ली गई हैं। और बात करें तो यहां सालों से हो रहे जो रामायण का पाठ है वो आज कहीं ना कहीं अंतिम दिन है और आज यहाँ पर रावण का वध होगा। अगर बात की जाए तो ये रामलीला मैदान है जहाँ रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास कहीं ना कहीं अपने रंगमंच को देते हुए प्रस्तुत करते हुए नजर आए थे। वहीं अगर बात की जाए तो 500 सालों से अधिक से यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं रामायण का एक मंचन होता है। अगर बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जब कहीं ना कहीं जो 4 महीने की वर्षा ऋतु होती है, 4 महीना वर्षा होता है जिसे चौमास कहते हैं, उस दौरान खुद गोस्वामी तुलसीदास यहाँ आए थे और तमाम लोगों को कहीं ना कहीं रामचरितमानस का मंचन करके मंच के माध्यम से लोगों तक रामचरितमानस को पहुंचाने का काम कार्य किए थे। अगर बात की जाए तो बात करें तो लगभग 500 साल पहले लोग कहीं ना कहीं अशिक्षित थे, उस दरमियान अगर बात की जाए तो रामचरितमानस का प्रचार प्रसार के लिए रामायण को मंचन किया गया था, मंच के माध्यम से लोगों तक जागृत किया गया था। अगर बात करें तो इसी मंच से आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास कहीं ना कहीं रामलीला की अगुवाई करते थे और लोगों तक जो अशिक्षित लोग थे उन तक रामचरितमानस को पहुंचाने के लिए रामलीला के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाता था। अगर बात की जाए तो इस मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं और रावण के जो पुतला दहन होता है जिसे असत्य पर सत्य का विजय कहा जाता है उसमें कहीं ना कहीं शिरकत किए हैं। अगर देखें तो इस पूरे प्रांगण को पूरी तरह से सजा दिया गया है और लगभग 8 दिनों से यहाँ पर पूरी रामायण की जो पाठ होती है वो हो रहा है। आज आखिरी अध्याय कहीं ना कहीं रामचरितमानस का जो आखिरी अध्याय है जिसमें रावण का दहन होता है उसको कहीं ना कहीं आज मंच पर प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा की जाएगी। और बात करें तो रावण के पुतलों को भी जलाया जाएगा। अगर बात करें तो ठीक सामने तुलसी शोध संस्थान है जिसके अंदर में रावण की जो पुतला है उसको बनाया गया है। और बात करें तो 20 फीट लंबा पूरा घर बनाया गया है। साथ ही अगर बात करें सब की तो सब लगभग 25 फीट का बनाया गया है। और इस अगर देखें तो रामलीला मैदान के अंदर में कहीं ना कहीं महज रावण के पुतले को जलाया जाता है। और बात करें मेघनाथ और साथ ही साथ जो तमाम लोगों के अन्य जगहों पर पुतले जलाए जाते हैं वो यहाँ नहीं जलाया जाता है। माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं रावण के अहंकार के सामने कहीं ना कहीं अपने धर्म को निभाते हुए नजर आए थे, अपने पिता और भाई के धर्म को निभाते हुए नजर आए थे। मगर बात करें तो इस रामलीला मैदान के अंदर में जो थीम रखा गया है वो कहीं ना कहीं सनातन विरोधियों का खात्मा रखा गया है। आमतौर पर रामलीला मैदान में कहीं ना कहीं हर साल एक थीम पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। इस बार का थीम जो आस पड़ोस में देखा जाए हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश के अंदर में रामचरितमानस को लेकर विवाद था उसको देखते हुए यहाँ की समिति की तरफ से इस बार कहीं ना कहीं सनातन विरोधियों का भी पुतला जलाया जाएगा। अगर बात करें तो इस पूरे अगर देखें तो सज्जी ढंग से पूरे इस प्रांगण को सजाया गया है। देर शाम तक यहाँ पर कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग आज पुतला दहन और साथ ही साथ रामचरितमानस के आखिरी जो अध्याय होता है उसके मंचन को देखने के लिए लोग आएंगे। और अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से तो पारुल पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के हर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर के द्वारा एंट्री दी जाएगी जो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आएंगे इस रामचरितमानस का पाठ सुनने, साथ ही साथ विजयदशमी के दिन जो रावण का दहन होता है उसमें हिस्सा लेने, उनको कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा के साथ अंदर बैठने का भी इंतजाम किया गया है। ड्रोन कैमरे से कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस हर एक चीजों पर नजर रखते हुए नजर आएगी। बात करें तो सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये ऐतिहासिक मैदान कहीं ना कहीं रामलीला मैदान है जहां नवाबों के समय भी कहीं ना कहीं यहां पर रामलीला का मंचन हुआ करता था और नवाब भी कहीं ना कहीं सहयोग करते हुए नजर आते थे। अगर बात करें तो आज देर शाम लगभग 9 बजे के करीब रावण का पुतले का दहन होगा जिसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो असत्य पर सत्य के विजय के रूप में देखा जाता है। जी
बिल्कुल, तो आज का ये पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, जो बताता है कि किस तरीके से आपके अंदर की बुराइयों को आपको इस रावण दहन के साथ जला देना है और अच्छाइयों को जागृत रखना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम तैयारियां अलग अलग राज्यों में चल रही हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का ये पर्व भी, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सनातन धर्म में यूं ही कोई पर्व खाली नहीं होता, हर एक पर्व के पीछे, हर एक त्यौहार के पीछे अपना एक संदेश होता है। तो रावण के वध के साथ ही बुराइयों का अंत हुआ था, उन तमाम बुरी ताकतों का अंत हुआ था। आपके अंदर की बुराइयों का अंत आज ही से कर लीजिए ताकि आप अच्छाई के साथ आगे रहें और आगे भी समाज को ये संदेश जाए कि ना केवल ये सिर्फ त्यौहार हैं बल्कि ये संदेश हैं जो एक मानव को मानव बनाते हैं और कई सारी बुराइयों को खत्म करने का और बुरी चीजें क्या हैं ये भी बताते हैं। रवीश जुड़े हुए हमारे साथ बस्तर से। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, किस तरह से दशहरा यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, रवीश बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, बस्तर में जो है अभी दशहरे का जो पर्व है, उस पर्व को जो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो है डोलिया है माता रानी की, इनका खास पर्व रहता है ये बस्तर दशहरा जो है यहाँ पर 75 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार 600 वर्ष के बाद यह दिन आया है कि यहाँ पर बस्तर दशहरा जो है 107 दिन चलने वाला है। बस्तर दशहरा खास करके यहाँ पर आपको और बता दूं कि यहाँ पर दशहरे के पर्व में रावण का दहन नहीं होता है बस्तर में, यहाँ पर माता रानी की आराध्य जो दंतेश्वरी माँ है यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही दंतेवाड़ा से चलकर माई की डोली आती है जो कि अमावस जो है अमावस के दिन से वहां से निकलती है अष्टमी को और नवमी को यहाँ पर पहुंचती है। साथ ही यहाँ पर जो है जो आज एक प्रथा होती है कि यहाँ पर रथ का चोरी होना होता है, जो यहाँ से यहाँ की प्रजा है जो चोरी करके एक सेफ जगह पे इनको रथ को छुपाती है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो रथ है, इसी रथ को जो है आज रात के 12 बजे चोरी होगा। चोरी के साथ साथ यहाँ पर जो है कल राजा स्वयं उनके साथ जाएंगे और उसी चीज को लेकर के एक प्रथा के रूप में जो है 600 वर्षों से जो चली आ रही है डील होगी। इस डील के साथ में होगा कि उनके द्वारा नवा खवाई का बस्तर में एक प्रोग्राम जो है किया जाता है और राजा खुद स्वयं उनके प्रजा के साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ही उनको जो है वहां से वापसी रथ को लेकर के आते हैं। इसी तरीके से बस्तर दशहरा की समाप्ति होती है और माता रानी की जो डोली है उनकी विदाई होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दंतेश्वरी जी, माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना होती है बस्तर में, रावण दहन नहीं किया जाता है। विजयदशमी का पर्व, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा बहुत अच्छे से मनाइए। अगर दशहरा देखने जा रहे हो तो रावण जहाँ पर जलाया जा रहा है वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही आप मौजूद रहें। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बेहतर ख्याल रखें, क्योंकि ये पर्व जो हमें सिखाता है हमें वो सीखना है, हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी गलती की वजह से, किसी भी त्रुटि की वजह से ये भी ध्यान रखना है। आप सभी का एक बार फिर से दशहरे की शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Ram Ram।